हेलो प्यारे दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ बिल्कुल एक यूनिक और नई सी रेसिपी जिसे आपने शायद ही पहले कभी बनाया हो और खाया हो। आज हम बनाएंगे मैगी पिज़्ज़ा, यानी मैगी और पिज़्ज़ा जिसे भी पसंद होगा ये वीडियो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और तभी समझ में आएगा मैगी कैसे बनाना, मैगी पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैगी पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैगी चाहिए। तो पैन में मैंने 2 कटोरी पानी चढ़ा दिया है, गुनगुना हो गया। तो इधर मैंने कुछ मैगी ली है तो इसे डाल देना है। चूरा करते हुए मैगियों को हम डाल देंगे। और मैगी पकाना तो फ्रेंड्स सभी को आता है, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं लूँगी मैं आपका। और इसे बस 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। और जो मैगी के तो यहाँ पे दोस्तों पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है। और थोड़ा सा इसका टेस्ट को और बढ़ाने के लिए यहाँ पे चिली फ्लेक्स और थोड़ी ही सी मैं ब्लैक पेपर डाल देती हूँ इसके अंदर। और इतने ही पानी में इसे पका लेना, एकदम सुखा देना है। तो यहाँ पे ये लगभग पक गया है, तो ये जो मसाले रहते हैं इसके वो हमें ऐड कर देना है। अच्छे से चला लेना है, मतलब इतना पकाना है ताकि ये अच्छे से इसका पानी इतने में ही एब्जॉर्ब होके ये सूख जाए। तो यहाँ पे अच्छे से बॉईल हो गया, आखिरी में मैंने मसाला ऐड कर दिया। ये पक के रेडी हो जाएगा थोड़ी देर में। और अच्छे से इसे मसाले को मिक्स करके हमें चला लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है, तो प्लेट वगैरह कुछ भी ले लेना है। और थोड़ा सा इस पर तेल लगा के ऑयल यानी ग्रीस कर देना है, चारों तरफ अच्छे से फैला देना है। इस प्लेट को हमें रेडी कर लेना है। अब देखिए जो हमने मैगी बना कर रखा था ना, तो सिंपली इसे क्या करना है, इस प्लेट में निकाल के रख लेना है और अच्छे से इसे हम जमा देंगे इसके अंदर। तो ये कुछ ऐसा खास करने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट हम रख देंगे तो ऐसे ये सेट हो जाएगा, अच्छे से जम जाएगा। तो अच्छे से प्लेट में पलटे की मदद से फैला देंगे हम और 5 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे। अच्छे से ये हमारा बेस बन के मैगी का तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा मैगी का बेस है यहाँ पे, बस 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट आप बाद देखेंगे अच्छे से हमारी मैगी सेट हो गई। तो यहाँ पे हमने दूसरी प्लेट ली है, प्लेट को उल्टा करके फिर इस तरह से टॉस करेंगे, अच्छे से टैप टैप करना है। मैगी का बेस हमारा बिल्कुल सेट होके तैयार हो जाएगा यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं आप, मैगी का बेस हमारा यहाँ पे पिज़्ज़ा का बेस यानी तैयार हो गया है। अब मैंने यहाँ पे तवा लिया है और इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। हाँ दोस्तों, इसे हम ओवन में नहीं तवे पे पकाएंगे। तो 2 चम्मच तेल डाल के मैंने यहाँ पे तवे को अच्छे से गर्म कर लिया, फैला दिया है तेल को। और इस पे अब हम तैयारी कर लेते हैं पिज़्ज़ा बनाने की। तो सबसे पहले हमने जो बेस बनाया है मैगी का उसे रख देते हैं और सिंपली से ये प्लेट से इस तरह से देखिए मैंने रख दिया है तवे पे। बहुत ही आसानी से एकदम मार्केट जैसा पिज़्ज़ा बनके तैयार होगा, आप ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया है, अच्छे से इसे स्प्रेड कर देना है ताकि टेस्ट बहुत बढ़िया आए। अच्छे से चारों तरफ एक बरोबर हमें फैला देना है। अब इसके बाद मैंने थोड़ी सी यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह ली है, इसे ऐड करेंगे हम। तो इससे पहले हमने चीज़ इस तरह से ग्रेट कर लिया था, इसे डालेंगे। और चीज़ डालने के बाद मैंने यहाँ पे शिमला मिर्ची के इस तरह से टुकड़े कर लिए थे, ये हम डालेंगे हरी वाली। और यहीं पे मैंने प्याज लिए थे, इसे ऐड कर दूंगी। तो लच्छेदार प्याज थे, इस तरह से मैंने कट कर लिए थे, इसे बिछा देना एकदम अच्छे से। आप सब्ज़ी मन चाहे कोई भी ऐड कर सकते। तो थोड़े से मैंने यहाँ पे टमाटर भी ले लिए हैं, अगर आपको टमाटर पसंद नहीं तो टमाटर स्किप कर सकते हैं। थोड़े से मैंने यहाँ पे कॉर्न लिए हैं बॉयल, तो उबले हुए यहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं। और यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा बेस बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और चिली फ्लेक्स ओरिगैनो डाल के हमें अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा मैगी तैयार होने वाला है। तो इसे हम पकने के लिए रख देंगे तकरीबन। और
अच्छे से यहाँ पे हम इसे 20 मिनट के लिए कवर करके लो मिनट पे पकाएंगे। टाइम कम ज़्यादा हो सकता है फ्रेंड्स, मैगी की लेयर पे डिपेंड करता है। और 20 मिनट बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारा मैगी पिज़्ज़ा तवे पे ही बनके तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी से, बहुत ही यूनिक रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई करना। तो ये देखिए, चलिए मैं आपको इसे उतार के भी दिखाती हूँ और कट करके भी दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी और बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो चलिए हम इसे फ्लिप कर लेते हैं। तो ये पलटे की मदद से बहुत आसानी से फ्लिप हो गया था, आप देख सकते हैं, ज़रा भी टूटेगा नहीं ये। ये देखिए, इस तरह से हम प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से ये उतर गया था। थोड़ी सी सावधानी से हम करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से हमें मार्केट जैसा पिज़्ज़ा हमारे घर पे तैयार हो जाएगा। बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही बनाकर हेल्दी हेल्दी पिज़्ज़ा हम खा सकते हैं। और इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही आसानी से ये कट हो गया था। तो बहुत ही यूनिक टेस्टी सी पिज़्ज़ा बनके हमारा तैयार हो गया। आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी, शानदार लग रहा है ना। तो देखते ही मुँह में पानी आ रहा है मुझे। आप मैगी की लेयर भी देख सकते हैं, एकदम क्रिस्पी करारी सी यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। तो इसका टेस्ट बहुत ही शानदार था, आप ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है, घर की कुछ ही चीज़ों से हमें अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है। और टेस्ट